सतगुरुदेव की जय। सर्वसंग से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है, कृपया सत्संग स्थल पर शांति पूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत्सही परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है, उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआं संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशोन्दनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मद्यतम ग्रीब जो सुमर सिद होई। गण नायक गलता ना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गण नायक देवन देवा। चरण कमल लौ लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन द्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे सैस 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे सैस 88। उतर बहु जल पारा कट है यम की फांसी। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वसृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर साहेब जी, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये परमात्मा हैं। पुणात्माओं, आध्यात्मिक ज्ञान इतना उलझ चुका है कि इसको अब सुलझाना बहुत ही कठिन हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और हमें ज्ञान क्या मिला?
इसका कारण क्या था? इसका कारण है कि ये जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है, यहां कोई जीव सुखी नहीं, और ये नहीं चाहता ये यहां का जो स्वामी है ब्रह्म जिसको कहते हैं, सर्वपुरुष भी कहते हैं, ज्योतिस्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं, ये नहीं चाहता कि यहां के प्राणियों को परमात्मा के विषय में जानकारी हो। इसको भय बना रहता है कि यदि इनको अपने मूल स्थान का ज्ञान हो गया और वहां के सुख से ये परिचित हो गए, यहां कोई नहीं रहेगा। इस डर से ये राजनीति से और घटिया राजनीति से हमें यहां रोके हुए हैं, सुनियोजित षड्यंत्र से हमें यहां बांधे हुए हैं, रोके हुए हैं। कोई भी क्रिया देख लो हमने विवश होकर करनी पड़ रही है। शरीर ऐसा दे दिया, यदि इसके अंदर टुकड़ा ना डालेंगे तो ये काम नहीं करे, इसकी रक्षा करनी पड़े, गर्मी सर्दी से भी बचाना पड़ेगा। सारा जीवन हम इसी शरीर के पालन पोषण में लगे रहते हैं, इसी के रख रखाव में पूरा जीवन खो देते हैं, अंत में इसको भी खत्म कर देता है। यदि ये ना नष्ट होता हो तो कोई दिक्कत ना थी, हम इतने ढीठ हो रहे, इन दुखों को भी देख लेते, कोई दिक्कत पड़े रहते अभी। लेकिन ये नष्ट भी साथ होता है, ये डर साथ बना रहता है। कहने का भाव ये है कि जब तक हम इस आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित नहीं होंगे, हम परमात्मा की भक्ति ना तो कर सकते और ना ही अपने उद्देश्य में सफल हो सकते। तो इसके लिए हमने उस परमात्मा को पहचानना है, जैसे आज सुबह के सत्संग में आपको सुनाया था कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म वो स्वयं ही सतलोक से चलकर आता है और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। परमात्मा ऊपर सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में विराजमान है। अपने आत्मा ये चारों वेद प्रत्येक प्राणी के हृदय में समाये हुए हैं, जो विशेषकर हिंदू समाज से संबंधित हैं, और सभी ये कहा करते हैं कि वेद तो एक सत्य ज्ञान है, वेदों में जो लिखा वो फाइनल है, सत्य है। इसके साथ साथ पवित्र चारों वेदों के साथ साथ पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी और साथ में पवित्र 18 पुराणों को पवित्र हिंदू समाज एक बहुत आदर की दृष्टि से देखता है और इनको सत्य ज्ञान युक्त मानता है, इसको सत्य ज्ञान युक्त मानता है। लेकिन इन ग्रंथों में थोड़ा सा अंतर है। पवित्र चारों वेद और पवित्र श्रीमद् भगवत गीता ये दोनों का मिलता जुलता ज्ञान है, ये गॉड गिवन है, और पुराणों का जो ज्ञान है वो ब्रह्मा जी का दिया हुआ है, और ब्रह्मा जी से आगे सुना उन ऋषियों ने, दक्ष आदि ऋषियों ने, मनु आदि ने, और अन्य ने अन्य से, अन्य ने अन्य से सुनते सुनते उन्होंने कुछ ब्रह्मा जी के विचार, कुछ अपना अनुभव, कुछ अपनी सोच, अलग अलग जैसे भी 18 पुराणों के 18 वक्ता हैं। 18 पुराण इसलिए होगी कि उनके वक्ता भिन्न भिन्न हैं, उन्हीं के नाम से उन्होंने अपने अपने हिसाब से उन 18 पुराण बना दिए। वैसे ही 18 पुराणों का ज्ञान एक ही बोध माना जाता है। तो ये जो ज्ञान है पुराणों का, ये गॉड गिवन नहीं है। पवित्र चारों वेद गॉड गिवन है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने इस ज्योत स्वरूपी निरंजन के हृदय में डाल दिए थे।
इसके अंतःकरण में डाल दिए और समय निर्धारित कर दिया कि इतने समय के उपरांत ही अपने आप इसके श्वासों से बाहर आएंगे। जैसे परमात्मा की व्यवस्था है, माता को गर्भ रहता है, 9 महीने के बाद ऑटोमेटिकली वो बाहर आ जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने इसमें व्यवस्था की, जब ये पांचों बाहर आ गए, इसने देखा कि इनमें कोई ऐसी जानकारी तो नहीं है मेरी पोल पाट जा, किसने ज्योति निरंजन ने। फिर इसने देखा पांचवा वेद जो है ये सारा भेद दे रखा था ऊपर का सतलोक का, कैसे जाना है और किस प्रकार कौन परमात्मा है, तुम यहाँ कैसे फंसे थे। तो ये ज्योति निरंजन काल ने वो पांचवा वेद नष्ट कर दिया और 4 वेद दे दिए भगवान के डर से। इन 4 वेदों में पूर्ण परमात्मा की महिमा है, साथ साथ में इसकी भी महिमा है। ये कितने सत्र का भगवान है, इसकी भक्ति से कितना लाभ हो सकता है। फिर इस काल ने ही ब्रह्म ने 4 वेदों को पढ़ा, उस 4 वेदों वाले ज्ञान को श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इसने बोला। इसमें थोड़ा सा इसने एकाध जगह गड़बड़ करने की चेष्टा की है और उसमें कहा कि ये मेरा मत है, यदि इसका मत वेदों से मेल खाता है तो वेद ज्ञान है वो, और इसका मत वेदों से मेल नहीं खाता है तो इसका अपना ही विचार है, वो भी नहीं मानने हमने। हमने केवल वेद ज्ञान को मानना है और 5वां वेद परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला था उसको मानना है। 18 पुराणों को हमने सहयोगी शास्त्र मान रखा है कि इसमें जो लिखा है इनमें इन ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जीवनी है और इन्होंने लिख रखी है, तो इसको हमने इसलिए सत मानना है कि इनमें जो लिखा है इनकी सती थी वह सही लिख रखी है। और जो पुराणों में वेदों के विपरीत ज्ञान है वो मान्य नहीं है। विपरीत कौन सा है, जैसे वे ऑफ वर्शिप, बाकी जो ज्ञान है वो तो वेदों से अलग है ही, वो तो हमने सिर्फ उनकी अपनी जीवनी है, ब्रह्मा जी की क्या स्थिति है, विष्णु जी की क्या स्थिति है, भगवान शंकर की क्या स्थिति है, इस तरह की कहानियां इसमें लिखी हुई, इनकी लीला लिखी है, उसके साथ साथ फिर अपने ऋषियों ने अपना अनुभव लिखा हुआ है। तो उनका अनुभव यदि वेदों के अनुसार नहीं है, वे ऑफ वर्शिप उसकी ऐसी नहीं है तो नहीं मानेंगे हम। उन्होंने अपनी मर्जी से किसी में कोई मंत्र लिखा है, कोई कुछ लिखा है, वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो उनका अपना सोच है, वेद ज्ञान नहीं है वो। तो इस कारण से वेदों का ज्ञान जो है वो फाइनल है और पुराणों का ज्ञान भी हम केवल इसलिए मानते हैं कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर कहा करते, सर्वेश्वर कहते थे, कालज्ञ और मृत्युंजय कहते थे, और वो यही कहा करते थे कि शिव पुराण में ऐसा लिखा है, विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है और मार्कंडेय पुराण में ऐसा लिखा है, ब्रह्मा पुराण में ऐसा लिखा है। आज हमने उन पुराणों में जो पढ़ा वो ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, जैसा वो बताते थे उसके विपरीत है और पुराण वही है। तो हमने पवित्र वेदों में ये जानना है कि उन वेदों में क्या लिखा है, क्योंकि वेद परमात्मा की ही महिमा से परिपूर्ण है और उन वेदों ने हमें क्या बताने की चेष्टा की है। हमने उन पवित्र सदग्रंथों से ये जानना है कि भगवान कैसा है और कौन है, कहाँ रहता है, उसको कैसे पाया जाता है, हम यहाँ किस लिए दुखी हो रहे हैं, हम यहाँ क्यों भटक रहे हैं, ऋषि महर्षि भी चले गए यहाँ जख मार के, उनको भी रास्ता नहीं मिला, ये कारण क्या है। परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उड़ जिया, ये ऋषि रहे जख मार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जाना दूजी बार। परमेश्वर ने कहा कबीर साहब ने कि ये 9 मन सूत उड़ जा दिया,
इन अज्ञानियों ने और साथ में इस काल ने ब्रह्म ने उन आत्माओं परमात्मा कपड़ा बुनते थे, जुलाहा थे, जुलाहे की भूमिका कर रहे थे और एक किलो सूत शेर का आकृति, पहले एक शेर, एक किलोग्राम सूत यदि उलझ जा सारा दिन ना सुलझ जाए, क्योंकि जब उसने टूट गया तो गांठ पड़ेगी, गांठ पड़गी तो कपड़ा साफ बना नहीं, और कपड़ा सही नहीं बना तो बुनाई मिले नहीं, जुलाहे को फेंक देंगे ठाकर कि इसमें 20 गांठ लगा दी तूने। तो परमात्मा कहते हैं कि एक शेर एक किलोग्राम सूत को सुलझाने में सारा दिन लगाना पड़ता है। तो ऐसे ये आध्यात्मिक ज्ञान रूपी सूत नोमन उलझा दिया इन्होंने। कोई कुछ ज्ञान बताता है, कोई कुछ साधना बताता है, जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक यही बताने की चेष्टा की गई है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऊपर को पैर करके योगासन करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध के नंगे पैरों घूमना, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। फिर तुरंत कहा है 4 अध्याय के 32 श्लोक में कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस परम अक्षर ब्रह्म ने जो स्वयं आकर के अपने मुख से जो वाणी बोली है वो 5वां वेद है, जिस वेद को काल भगवान ने नष्ट कर दिया था उसकी पूर्ति करने के लिए स्वयं परमेश्वर ने आना पड़ा, और उस ज्ञान को ऐसे तरीके से बोल के लिखवा दिया कि ये विद्वान पुरुष जो एजुकेटेड मानते थे संस्कृत के ज्ञाता, वो इन्होंने सोचे ये तो ऊट पटांग बकवाद कर रखी है, इसमें कुछ को नहीं तो इसने भी नाश करा देते। तो परमात्मा ने ऐसे गुप्त ढंग से ऐसी वाणी से सिंपल सी ऐसे लोकल सी भाषा बोल के पूरा माल भर दिया, उसमें पूरा ज्ञान ठोक दिया, और फिर अपने प्यारी आत्मा से बता दिया कि अभी इसको डिस्क्लोज ना करना। जिनके समझ में आई बात, जिनको परमात्मा मिले सचखंड दिखाया वापस छोड़ा, तो उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान अभी की तो बार ना जाई, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी ये बिजली पीढ़ी हंस नहीं तरही, अगर ये ज्ञान आज से 600 वर्ष पहले डिस्क्लोज हो जाता तो ये नकली संत पंथ ये डंडोरा पीटते मिलते और यही मंत्र देते मिलते, ये अधिकारी थे नहीं उस नाम के देने के, तो डुप्लीकेट पासपोर्ट से भी विदेश नहीं जाया जा सकता, तो ऐसी बात बिगड़ जाती। तो परमात्मा इस भक्ति को इस कलयुग तक लाए हैं, कहते सोशल सीधर मैं करूं अपने जन के काज, हमारे लिए उन्होंने सोशल सीधर करने पड़े, और उस तत्व ज्ञान को आज बिचली पीढ़ी में लाकर अब डिस्क्लोज करवाए इस दास के द्वारा। इसलिए परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये है मूल ज्ञान। और फिर परमात्मा ने एक वाणी और कही है कि 33 अरब ज्ञान हम बाख्या और मूल ज्ञान गुप्त ही रख्या। 33 अरब वाणी बोल दी हमने इस कबीर सागर में और कबीर साखियों में दोहालियों में, लेकिन ये मूल ज्ञान जो था अब भी हमने गुप्त रखा हुआ था, और अब ये इस दास के माध्यम से सार्वजनिक करवा दिया भगवान ने, क्योंकि अब ये सभी पंथ नष्ट होंगे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि इस बुद्धिमान जनता है अपने भले बुरे को खूब समझते हैं ये, लेकिन अभी तक इनके न्यूना जच्ची है कि ये हमारे जो गुरु हैं ये कति नकली हैं,
और उनका उस समय यकीन होगा जब इस दास के ज्ञान को अच्छी तरह समझेंगे और सदग्रंथों से मेल कर लेंगे, फिर उन नकलिया न छोड़कर आप आ जाएंगे। कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना कहे किसी की कहे की माने, और गुरुजी ने जो कह दिया बस ठीक से, उसके बारे में परमात्मा कहते हैं कि चातुर प्राणी चोर है और मूढ़ मुग्ध है ठोठ, संतों के निकाम के इन दे गड़जोट। इतने प्रमाण देख के और जो व्यक्ति नहीं मान रहा कि ये संत नहीं है, कहते फिर वो तो मूढ़ है, मुग्ध मूढ़ ठोठ, फिर वो हमारे काम के नहीं है, वो वहीं पड़े रहे उन दौरे। एक भक्त कह रहा था जी ये आवत गए सारे जितने दूसरे पंथा दौरे बैठे हैं। उसने एक उदाहरण दिया कि जैसे बाई बस ट्रेवल कर रहे हैं और रास्ते में कई बार बस खराब हो जाती है, तो कुछ तो बुद्धिमान से जब आइडिया ला ले कि यह खराब होगी, झटकम पटकम होने लग रही है, जब रुक जा और साथ में दूसरी बस आ जाती है तुरंत उतर कर चढ़ जाते हैं, वह ना देखते कदे किराया दोबारा देना पड़े। कुछ ऐसे होते हैं कि कंडक्टर ड्राइवर ने कह दें भाई गाड़ी खराब होगी, वो उतर के फिर दूसरी में बैठे, और उन्होंने कहता कुछ ऐसे होते हैं फिर भी बैठे रहे कंडक्टर ड्राइवर के कहे पाछे भी, वे जब उतरेंगे जब कंडक्टर ड्राइवर भी दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वो जब उतरे आकर क्या सचमुच ये भी नारा इबत है। तो कुछ ऐसे हैं जब इनके गुरु जी या तो यहां पलायन कर जाएंगे क्योंकि जनता इनको जीण नहीं देगी, यहां पर इनका अनमोल जीवन बर्बाद कर रखा, एक सांस की कीमत है। परमात्मा कहते कहता हूं कही जात हूं कहूं बजा के ढोल, और ये श्वास जो खाली जात है ये तीन लोक का मोल, एक श्वास की इतनी कीमत और मनुष्य जीवन के कितने जीवन सांस बर्बाद कर दिए, क्योंकि श्वासों से जीवन है जीव का, और ये कितने बर्बाद हो गए सत भक्ति ना करने से। तो वो जो उनके कति श्रद्धालु गणे हैं बिना ज्ञान के, वो जब आओगे यहाँ पर तो वो भी हाथ खड़ा कर देंगे कि महाराज बल्ला ना कुछ, तो ये भी पुण्यात्मा होगा कोई ऐसा कह देता है। वैसे यहाँ बहुत से ऐसे महंत हैं जो बहुत से शिष्य बनाए हुए थे, उनके शिष्यों ने उनसे संपर्क साधा इस ज्ञान से परिचित होकर के, और कहा जी देखो आप भी भगवान के लिए निकले हो और हम भी भगवान के लिए ही आपके अनुयायी बने हैं, यदि ये ज्ञान गलत है तो हमें क्लियर करके बता दो, अगर ये रामपाल ज्ञान गलत बोल रहा है तो हमें बताओ, ये प्रमाण दे रखे, और नहीं तो फिर आप भी आओ। अब थोड़ी बहुत देर तक वो गुरु अग्रम मग्रम करता है लेकिन फिर विवश हो जाता है क्योंकि उसको भी भगवान चाहिए। अगर इतनी सच्चाई देखकर वो नहीं आते हैं नहीं मानते हैं तो वो संत है नहीं, वो तो परमात्मा भी नहीं चाहते, केवल महिमा चाहते हैं अपनी, बस चेले बने रहे जय जयकार हो ही रहे, फिर कट्ठे भूत बनेंगे सारे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को जो परमात्मा ने उनको ये तत्व ज्ञान दे दिया था, क्या बताते हैं कि साहिब के दरबार में गायक कोट अनंत और चार चीज मांगे हैं, रिद्धि सिद्धि मान महंत। उस परमेश्वर के साहिब के दरबार में ऐसा कोई एक इन चारवा ने छोड़ गए और चाव है पुरुष अलेख। तो ये सब मान महंत के भूखे हैं जितने ये संत पंथ बने हुए, यदि ये मान बढ़ाई नहीं चाहते हैं और ये अपना कल्याण चाहते हैं और ये हितैषी हैं अपने अनुयायियों के, तो इस दास के ज्ञान से परिचित हों और इसमें बताओ गलत कहाँ है, और ये अपना टिप्पणी दो फिर इसके ऊपर, क्यों नहीं बोलते 10 साल हो गए दास ने गला फड़ाते ने, और सरेआम कह रहा हूँ टीवी चैनलों पर भी बोल रहा हूँ, पुस्तकों के माध्यम से भी इनके पोल खोल रहा हूँ, क्यों ना बोलते, ये क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये चोर हैं। परमात्मा कहते हैं बेखों के लश्कर फिरें ये बाणी चोर कठोर, और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर।
परमात्मा की वाणी को चुरा कर सचखंड सचखंड करट ला रहा। खैर कहेगा पता नहीं इन लोगों को, जैसे वेदों को गलत मानने वाला कोई प्राणी नहीं, खासकर हिंदू समाज में। और ये जो राधा स्वामी पंथ है, इन्होंने के गुटी पैर रखी है श्रद्धालुओं को कि हमने वेदों की आवश्यकता नहीं, ना हमने गीता जी की, ना हमने पुराणों से कुछ लेना देना। संत जो वाणी बोलते हैं वो फाइनल होती है। वो वेद भी तो किसी ने लिखे हैं, वेद व्यास ने वेद लिखे हैं। अरे वेद व्यास ने वेद लिखे जरूर हैं, लेकिन ये वाणी किसकी है? वेद व्यास राइटर है, जैसे गीता जी का वेद व्यास राइटर है, वक्ता नहीं है। ऐसे पुराण लिखे हैं तो पुराण जिसने जो बोला वेद व्यास जी ने लिख दिया। जो चारों वेद थे, जो उनका यथार्थ ज्ञान ऋषियों ने घोट रखा था, वो एडिटी उन्होंने लिख दिया परमात्मा से प्राप्त करके, क्योंकि भगवान ने आके ये ज्ञान दिया था। और ब्रह्मा जी से फिर ये ज्ञान सभी ने प्राप्त किया था। तो उसने केवल लिखा लिखा है, लेकिन ये गॉड गिवन है। और ये क्या बताते हैं कि संत जो भी नाम दे दे वो ठीक, उसी से मोक्ष हो जाएगा। और फिर ये भी कहते हैं कि हमने वेदों की जरूरत नहीं है, हमारा तो ज्ञान वेदों से ऊपर का है, वेदों से ऊपर का हमारा ज्ञान था। और हम जैसे कोई कहता अभी जैसे यहाँ कमल बताते हैं शरीर में पीछे, तो वो कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमने त्रिकुटी यहाँ नहीं है, वैसे वो यहाँ बताते हैं यहाँ बैक में होती है, और कहते हैं हम सीधे त्रिकुटी से चलते हैं, हमारा तो वहाँ से मार्ग शुरू होता है। अपुण्य आत्माओं, जो वेद ज्ञान को गलत बताते हैं, तो इससे होता है कि उनका ज्ञान तो घना निर्मल बना चाहिए, वेदों से ऊपर का है, तो कुछ वेदों वाला भी थोड़ा बहुत समाविष्ट ही उसके अंदर। जैसे दसवीं का सिलेबस होता है, टेंथ का क्लास का, तो उसमें पहली से लेकर कैक है तो वहीं से शुरू होते हैं। तीसरी चौथी पांचवी छठी आठवीं नौवीं का कुछ उसमें समावेश होता है ज्ञान का। और इनका ज्ञान दिखाते हैं आपको राधा स्वामी वालों का, जो ये कहते हैं कि हमारा ज्ञान तो वेदों से ऊपर का है। अब दिखाता है इनका ज्ञान, दो बोल इनके भी सुना दूं राधा स्वामी वालों के। एक पुस्तक है सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये देखिएगा इसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, राधा स्वामी सत्संग व्यास, ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक है जगदीश चंद्र सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, पंजाब, 2003 में ये 16वां संस्करण है। और ये यहाँ से छपी है, प्रिंटेड इन इंडिया बाई लक्ष्मी ऑफसेट प्रिंटर्स दिल्ली इतने में। इसकी भूमिका में क्या लिखा है के सार वचन राधा स्वामी वार्तिक अजूर स्वामी जी महाराज के वचनों का संग्रह है। ये वचन सत्संगों तथा अन्य चर्चाओं के दौरान सत्संगियों ने नोट किए थे। स्वामी जी महाराज के परम धाम सिधारने के कुछ वर्ष बाद इनका संग्रह करके पुस्तक के रूप में छपवाया गया। सन 1902 में बाबा जयमल सिंह जी महाराज ने सार वचन राधा स्वामी वार्तिक को पहली बार गुरमुखी लिपि में छपवाया। प्रस्तुत पुस्तक उसी प्रथम गुरमुखी संस्करण के अनुसार है और अब इसका हिंदी संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम जिसने राधा स्वामी पंथ का चिमटा गाड़ा, इसका प्रवर्तक माना जाता है। स्वामी जी महाराज का शुभ नाम सेठ शिवदयाल सिंह जी था। आपने 15 अगस्त 1818 में आगरा शहर में जन्म लिया। आपके पिताजी का नाम सेठ दिलवाली सिंह जी तथा माता जी का नाम महामाया जी था। आपके पूर्वज पंजाब के रहने वाले थे तथा घर में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता था। आपके माता पिता आथरस के प्रसिद्ध संत तुलसी साहिब के भगत थे।
स्वामी जी महाराज ने भी तुलसी साहिब की काफ़ी संगत की थी। बचपन से ही स्वामी जी महाराज का रुझान अध्यात्म की ओर था। आपने एक कमरे में बैठकर 17 वर्ष सुरत शब्द योग का अभ्यास किया और सन 1861 में बसंत पंचमी के दिन खुले तौर पर आम सत्संग और सुरत शब्द योग का उपदेश शुरू कर दिया। पुण्यात्माओं, अब ये शिवदयाल जी तो थे सन 1818 में जन्मे आगरा में, और इन्होंने 17 वर्ष तक एक बंद कोठड़ी में बैठ के और हठ योग किया। गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ता था, इसके अंदर से परमात्मा का सचखंड सतलोक की तद ढूंढ लिया, फिर कबीर साहिब की वाणी में तो ले लिया, करने नो दीदार मेल में प्यारा है एक शब्द है 32 कली का, वो इन्हें खोलना आया ना, इनका समझ में आया नहीं, तो काल से प्रेरणा थी ही इनको और ये एक नकली सांग जोड़ कर बैठ गए। अब दिखाते इनका के ज्ञान था जो वेदों से भी उत्तम बतावे हैं। और इस पुस्तक के अंदर जो लिखा है, ये कहा गया है कि ये हजूर स्वामी जी महाराज शिवदयाल जी फाउंडर ऑफ राधा स्वामी अरिसी राधा स्वामी से सच्चा सौदा सिरसा, वही ज्ञान वहीं से उपदेश प्राप्त है उनको। और ये मथुरा के अंदर जय गुरुदेव, और इधर ये ठाकुर जी महाराज थे एक, और दिल्ली में कृपाल मिशन, ये सारा एक का कुएं का पानी है। इस शिवदयाल जी के इस ज्ञान से समझ लेना उनके पास क्या है। और जनौद में एक महाराज हुए ताराचंद जी, वो भी उस राधा स्वामी के कुएं का पानी भर के यहाँ बांटे थे, वही ज्ञान। ये देखना, ये वही पुस्तक चल रही है, सार वचन राधा स्वामी वार्तिक, ये वही चल रही है। अब हम इसके यहाँ जाते हैं, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब खुलासा उपदेश हजूर राधा स्वामी साहेब का। अब शिव दयाल जी के वचनों का खुलासा लिख रखा है, जो उसने बोलिया वो का वो। अब दफा एक में पढ़ते हम, सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सूरत यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सतनाम और राधा स्वामी में, मुकाम माने स्थान, सतनाम स्थान कहा है, राधा स्वामी भी सतनाम का स्थान कहा है मुकाम। इनका ज्ञान देखियो तोड़ पाड़ रखे ने पहुंचावे, यानी राधा स्वामी स्थान में पहुंचावे, सतनाम स्थान में अपनी सूरत पहुंचा दे। फिर तीसरे वचन में गीता के से श्लोक बना रखे ने, कति 118 150 वर्ष हो गए इनके, न्यू के न्यू प्रिंट कर रखे। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार पैगंबर हरेक मजमा हुए हैं, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, असली स्थान की ओर चले। कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी तक पहुँचे। अरे वाह, अच्छा, सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुँचे। अब यह मंजिल पांचवी सतनाम, और कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी राधा स्वामी पर पहुँचे। अब यहाँ देखो, तो अब आपने देख लिया, अब यहाँ तक क्लियर कर दिया ना कि सतनाम भी स्थान है, मंजिल कहो, ये मंजिल का यहाँ अनुवाद भी कर रखा है, मंजिल माने स्थान, देखियो रहा मंजिल माने स्थान, यानी ये फिर देख लो, क्योंकि ये गणा गहरा ज्ञान है ना, इनका समझ में ना आवे जल्दी सी। कोई बिरले संत मंजिल आठवीं यानी सतान आठवीं यानी राधा स्वामी पर, सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी स्थान सतनाम पर, सतनाम स्थान हो गया मंजिल माने स्थान, सतनाम स्थान पर पहुँचे। अरे देखियो चार वचन पृष्ठ नंबर 15 पे कमाल कर दिया, इसमें तो रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्हें, वेद फेल कर दिए सारे। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है, सबसे ऊंचा स्थान है राधा स्वामी, और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब का है, सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से दो स्थान नीचे
यानी राधा स्वामी स्थान से दो स्थान नीचे सतनाम का मुकाम है। देखिए नींद में बोल रहे तारा गजब भैयो। अब कहते हैं सिर्फ संत मंजिल पांचवी यानी सतनाम पर पहुंचे और मंजिल माने स्थान, और ये कहे हैं सतनाम तो स्थान हो गया, फाइनल हो गया कि सतनाम स्थान को कहते हैं। ये भी कहते हैं इस मुकाम से दो स्थान नीचे और मुकाम भी स्थान हो से, अब सतनाम भूल जावा हम, स्थान इस दो स्थान नीचे स्थान का स्थान है, ये वेद से गुढ़ ज्ञान है इनका, स्थान से का स्थान है। और इस सतनाम को फिर कैसे डिफाइन किया देखना, परिभाषा कैसी बताइए, सतनाम का मुकाम है और इस जिसको इस सतनाम को संतों ने सतलोक सचखंड, सतनाम को सतलोक भी कहा है, सचखंड भी सतनाम को कहा है, और सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को, और सतनाम भी सतनाम को, और सतपुरुष भी सतनाम को। जय हो राधा स्वामी आलो। ये इनका वेदों से भी ऊपर टॉप मोस्ट ज्ञान है। इन कह कहेगा नहीं पता सतनाम खान का से है कि पीण का है कि तो कोई स्थान है या नाम है, और दिखाता हूँ थोड़ा और इनकी गति अच्छी हिंदी हो जाएगी। अब एक पुस्तक है संत मत प्रकाश भाग तीन, ये पांच भाग हैं इनके संत मत प्रकाश के, और श्री सावन सिंह जी इनके राइटर हैं, यानी उनके सत्संगों का संग्रह है, इसमें वक्ता है। और श्री सावन सिंह जी जो हैं वो बाबा जयमल सिंह जी के उत्तराधिकारी थे तुरंत, और सावन सिंह जी के शिष्य थे ये कृपाल सिंह जिन्होंने दिल्ली में अपना अलग मिशन बना लिया, और उन्हीं के शिष्य सच्चा सौदा सिरसा में जिन्होंने अलग स्थान बना लिया, सावन सिंह जी के थे। खेमामल नाम था उनका, बलोचिस्तान के रहने वाले थे, और फिर उनको सामस्ताना कहने लगे और उन्होंने वहाँ अपना अलग से डेरा जमा लिया। ये उन्हीं का ज्ञान है इकट्ठा ही सबका। और अब आपको दिखाते हैं उस बाबा सावन सिंह जी के विचार थे, तो फिर अंडरस्टूड है कि सच्चा सौदा के होंगे ये देखना, और शिवदयाल जी के हो गए फिर कहना है कि है। ये है संत मत प्रकाश भाग तीन, ये है संत मत प्रकाश भाग तीन, और ये हैं बाबा सावन सिंह जी, महाराज सावन सिंह जी। संत मत प्रकाश भाग तीन, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी सत्संग व्यास से ये छपा है। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह पंजाब, और ये यहाँ से छपी है। प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसंस पेपर लिमिटेड। अब इसमें दिखाते हैं आपको 102 पृष्ठ पे लिखा है, इसके 102 पृष्ठ पे संत मत भाग तीन यहाँ लिखा है, इसने इस सतपुरुष सतनाम कहाई सतलोक निज पाया आई, इसका डिफाइन किया इसने इस सेंटेंस का, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, जा गया ना, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है और सभी के अंदर है, आपके अंदर है ये सचखंड सतनाम, और अगर यह है सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंचा जा सकता है। ठीक, अब हमने ये देखना है कि यहाँ कह रहा है ये सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, ये सतनाम चौथा लोक है, ये अपने अंदर है सबके। अब दिखाते हैं आपको 107 पृष्ठ पर, 106-107 पर देख रहा, वही सत्संगी हजूर जहाँ राम नाम का जस महिमा होता हो, कोई प्रसंग चल रहा है तो महाराज सावन सिंह जी कहते कौन से राम का जिक्र कर रहा है तू, वह सत्संगी कहने लगा क्या राम बहुत सारे हैं, महाराज जी यानी सावन सिंह जी कह रहे हैं राम चार हैं,
आपका इशारा कौन से राम की तरफ है? अब सत्संगी पूछा है कि हजूर चारों राम खोल कर बताइए। महाराज जी लागे खोलन, फिर एक राम दशरथ गरडोल है, एक राम सब घट घट में बोल है, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा। और देखो इसका अनुवाद किया भी इसने, पहला राम राजा दशरथ के बेटे थे जो त्रेता युग में अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। अब दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है, तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता है, पालता और नाश करता है, चौथा राम सतनाम है, यो असली राम है। इनका अकल देखो पत्थर पड़ रही इन पर, कितने सतनाम सथान है, ये भी यो सतनाम राम है, यो असली राम है। पुण्यात्मा परमात्मा कहा करते थे, मोती मुक्ता दर्शत नाही ये जग है सब अंधरे, दिखत के तो नैन चसम इनका फिरा मोतिया बंदरे। अब ये संत मत भाग चार में आपको दिखाते हैं, इसी सावण सिंह जी के बोल ये क्या कहते हैं। इससे पहले थोड़ा सा इस सच्चा सौदा को और दिखा देता हूँ आपको, दिखाते हैं एक पुस्तक है सचखंड की सड़क, नाम तो ऐसा बड़ी लिख देंगे जो आदमी कटका मर जाए इनके ऊपर, वह कमाल कर रखा होगा इस पुस्तक में। सचखंड की सड़क कति यानी मेटल रोड सीधी, कति कोई दिक्कत नहीं उसमें, ऐसा नाम तो ऐसा लिख दिया हिमिन की दिखावा मेटल रोड की ऐसा खड्डे नरे। अब ये एक पुस्तक है सचखंड की सड़क पहला भाग, इसके राइटर हैं दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी डेरा सच्चा सौदा सिरसा, ये नाम भी सतनाम धर रहे अपना सतनाम सिंह। अब ये सतनाम जी थे जो सच्चा सौदा के जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो श्री बलोचिस्तानी शाह मस्ताना के खेमामल सिंह जी के सीधे उत्तराधिकारी थे, दूसरे यानी पहले वो थे दूसरे, उसने ये लिखा है ये पुस्तक सतनाम सिंह जी ने। ये देखना कहाँ से, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा और सचखंड की सड़क पहला भाग, ये वही है महाराज जी सतनाम सिंह जी की तरफ से लिखो। और ये कहाँ से छपा है, ये प्रकाशक है इंद्रसेन प्रबंधक डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा भारत, मुद्रक है इंद्रसेन प्रबंधक परमार्थ उपदेश प्रिंटिंग प्रेस डेरा सच्चा सौदा सतनाम सिंह जी मार्ग सिरसा हरियाणा पिन कोड। इसके 226 पृष्ठ पर हम ले चलते हैं आपको, ये है 226 पृष्ठ सचखंड की सड़क। इसका अनुवाद किया है एक शब्द है इनका, अलख नामी आया रे सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के, ये कहते हैं शिवदयाल जी की अमरवाणी है या इसका यहाँ अनुवाद कर रहे हैं, अलख अनामी आया सारे देश छोड़ के जी छोड़ के, मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। त्रिलोकी यानी सथूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल निरंजन ने की है, संतों का देश सचखंड या सतलोक है। देख ठीक है, अब यहाँ संतों का देश सचखंड या सतलोक है ठीक, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है ठीक। इस सचखंड के ऊपर यानी सतलोक के ऊपर है या डिफाइन कर रहे हैं, वह अजर अमर अविनाशी है और सदा एक रस है, वहाँ चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है, नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है, और उसी को यानी सचखंड को इस सतलोक को क्या कहते हैं, सतलोक को सतनाम भी कहते हैं, सत शब्द भी और सार शब्द भी कहा जाता है। वह बोली है नो कि नो, थोड़ी सी फेर बदल कर रहे हैं, इस सचखंड को सतलोक को जो वह अजरमर अविनाशी है, वह चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है और कुछ नहीं वहाँ पे,
और उसी को सतनाम भी कहते हैं, सचखंड को, और सत शब्द भी कहते हैं और सार शब्द भी, उस सतलोक को कहते हैं, सतनाम भी उसी को कहते हैं। अपने आत्माओं, ये है इनका ज्ञान जो वेदों से भी ऊपर का है। और दिखाते हैं, एक कथा सुना रखी है सावन सिंह जी ने कि एक समय एक इंद्रमती नाम की रानी थी और वो कबीर साहब की शिष्या होगी। और फिर ये क्या बताते हैं कि पहले कबीर साहब चले गए सचखंड में और वो समा गए भगवान में, क्योंकि वहाँ तो नूर ही नूर है, प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा वहाँ जाकर ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में, भगवान नहीं है वहाँ पर। ये इनका अज्ञान सिद्धांत है, राधा स्वामी पंथ, धन धन सदगुरु पंथ और यो जय गुरुदेव पंथ थोड़ा का। अब इनका डिस्कशन दिखाता हूँ, आप देखना हैरान रह जाओगे। ये है संत मत प्रकाश, सावन सिंह जी के सत्संगों का, वचनों का संग्रह है ये। ये राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है और इनके तो कति वचन अमिट हैं, आपको दिखाते हैं। 189 पृष्ठ पर ले चलते हैं आपको, ये देखो संत मत भाग 4 और पृष्ठ 189 नीचे आते हैं। इस तरह रानी इंदुमती थी, जब उसको कबीर साहब सचखंड लेकर गए तो उसने वहां जाकर देखा कि कबीर साहब ही सतपुरुष है और कहती है कि हाय 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 हाय, अगर आप मुझे इतना बता देते कि मैं ही सत्य पुरुष हूं तो क्या मैं आपकी सेवा नहीं करती? कहते हैं तुझे विश्वास नहीं आता, अब तू यहाँ आ गई है, तेरी मर्जी कह ले, तेरी मर्जी है कह ले। अब इनका यापा कह रहे हैं कि इंद्रमती ने सतलोक में जाकर कबीर साहब को देखा, उसने वहां जाकर देखा कबीर साहब ही सतपुरुष हैं, फिर थारे आला की तगा परम धनी, जब आप लिख रहे हो कबीर साहब सतपुरुष हैं और वह इंद्रमती का उदाहरण दे रहे हैं, तो तुम्हारा परम धनी क्या होगा वहां पर फिर? और फिर दूसरा वो कहाँ रहा जब वहां कबीर साहब मिल गए जाके? अब आपको एक और दिखाते हैं 264 पृष्ठ पर, ये देखिएगा इसी संत मत भाग 4 में और 264 पृष्ठ पे। अब देखिए यहाँ पर, आह, सत्संगी ने पूछा, हजूर संतों की पदवी कहाँ तक है? महाराज जी सावन सिंह जी बोले, हमारी इतनी बुद्धि और अकल नहीं कि हम संतों की पदवी को समझ सकें। फिर भी सुनो, रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी, इनकी अकल में पर्दा पड़ रहा। इंद्रमती तो हुई द्वापर में, कबीर साहब हुए कलयुग में, उस समय कबीर साहब करुणामय नाम से आए हुए थे। कबीर साहब समकालीन, इस कबीर एज ए कबीर समकालीन नहीं थे, फिर भी हम इनकी इतनी बुद्धि को देखेंगे कहाँ काम करती है। रानी इंदुमती कबीर साहब के समय में हुई थी, पहले कबीर साहब मालिक में जाविलीन हुए। देख इन अपनी सिद्धांत को फिट रखे हैं कि पहले तो कबीर साहब जाकर मिल गए सचखंड में, डूब कर मर गए। इनके कहने के हिसाब से कि वहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, आत्मा ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। पहले कबीर साहब मालिक में जाकर विलीन हुए, वो तो मिल गए उसमें, और फिर रानी हुई, फिर रानी जाकर उसमें डूब का मर गई। और जब रानी ने सचखंड में जाकर कबीर साहब की पदवी देखी तो कहने लगी, महाराज यदि आप पहले ही बता देते कि मैं ही अकाल पुरुष हूँ, मैं सतपुरुष हूँ, तो मैं भजन सुमन कर के व्यर्थ परेशान ना होती। कबीर साहब ने उत्तर दिया, तुमको उस समय विश्वास नहीं आना था। अरे भले आदमी, या तो ये साची लिख रहे हैं कबीर साहब अकाल पुरुष हैं, लेकिन जब पहले कबीर साहब जाकर मालिक में विलीन हो गए और पाछे तराणी होगी, फिर वो बात कब करी उनने? दिन की अकल पर पड़दा पड़ रहा, वो बात कैसे करी? फिर कबीर साहब दिखे के ऊपर जब बूंद मिल गई समुन्द्र में, वह अलग कैसे रहे? वो सच्चाई ये है कि वहाँ सृष्टि अलग है,
और ऐसी मनुसदृश सृष्टि है और परमात्मा भी साकार है, उनका अलग से सिंहासन बहुत सुंदर है। पुण्यात्मा कहते हैं, गुरु बिन काहु न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े मूड के साना। जैसे थोथे बुसने कोई परिश्रम कर रहा है, कूट रहा है, तो मूर्ख आदमी है, उसमें कुछ नहीं निकलना। जैसे किसी ने धान झाड़ के और पराल डाल रखी हो और फिर उसने कोई कूटे है, अरे कह मैं इसमें धान झाड़ू हूँ, क्षमा मूर्ख हो, कहते घूट लाया है या कति बोली बूझ से। तो इस पूरे सतगुरु बिना काहुन पाया ज्ञाना, जो थोथा बूझ छड़े मूड किसाना। अब आपको दिखाते हैं ये खुद भी इस बात, क्योंकि इन्होंने तो कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, हरियो राधा स्वामी बड्डा कुणबा जोड़िया, इनको आप नहीं मालूम तुम लिख के रहे हो और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है परमात्मा के पाने की। ये इनके सतनाम में समझ में नहीं आ रहा, सतनाम क्या, उन पांच नामों में सतनाम भी दे रखा, ये पांच नाम देते हैं, ओंकार रंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम। सतनाम ने जपण का भी दे रखा है और सतनाम फिर बोला सचखंड भी यही है, सतपुरुष भी यही है, हैं, और सार नाम भी यही, सतनाम भी यही है और सार शब्द भी यही है। जैसे किसी ने जंगल में रहता हो, कदे कार देखी ना सुनी सुनी हो, सड़क भी सुन रखी हो, पेट्रोल भी सुन रखा हो, उसे कोई पूछे भी तू कार में जाता है, कार देखी है तूने, तो बता कार कैसी होती है, पेट्रोल किसे कहते हैं, तो वो कहे कि पेट्रोल कार को ही कहते हैं, सड़क किसे कहते हैं, कार को ही कहते हैं, अरे शहर किसे कहते हैं, कार को ही शहर कहते हैं, ड्राइवर किसे कहते हैं, कार को ही ड्राइवर कहते हैं, वाह रे इंजीनियर। तो इसे थे ये महाराज, इसे थे ये सचखंड के संदेश देने वाले, इन कह खेगा भी नहीं पता सचखंड के बारे में, कहते हैं देखो के लश्कर फिर ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी चुरा के न सचखंड अड़दी की गांठ पर अपन सारी बन गए और सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। यहाँ तक कहा है कि सतलोक में नहीं जा सकते ये लोग, क्योंकि इनका साधना गलत है। एक पुस्तक है घट रामायण, आपने श्री शिवदाल जी की जीवनी में थोड़ा सा पढ़ा कि इनके घर पे गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता था और तुलसीदास हाथरस वाले के शिष्य थे इनके माता पिता। अब घर में कोई चर्चा चल रहा है तो बच्चे भी तो सुनते हैं, जब पाठ हो रहा है सत्संग होता है, तो इसको किसी ने फिर मिसगाइड कर दिया और उससे भी न्यारा, उसने पांचों नाम शुरू कर दिए। अब ये क्या लिख रखा गटरायण में, पांचों नाम काल के जानो। ये देखिए ये है घट रामायण तुलसी साहेब हाथरस वाले की, बेल्डियर प्रिंटिंग प्रेस इलाहाबाद से ये छपी है। ये दो भागों में है, हम प्रथम भाग दिखा रहे हैं आपको। अब ये 27 पृष्ठ पर देखिएगा, अब यहाँ से शुरू करते हैं भेद पिंड और ब्रह्मांड का। अब यहाँ से शुरू कर क्या, वैसे इन्होंने बहुत लंबा थोड़ा, हम थोड़ा हलेंगे। दानी कह जीव सुन बाता, बिना दान करहो मैं घाता। जब जीव कहे समझ सुन भाई, करो घात के ही कारण जाई। अंतर गुफा तहाँ चल जाऊँ, तहाँ साहिब के दर्शन पाऊँ। पांचों नाम जीव जब भाख्या, और छठा नाम गुप्त कर रख्या। पांचों नाम काल के जानो, तब दानी मन संग का आनो। ओए होए, ये पांचों नाम थे काल के हैं, तब दानी मन संग का आनो। निर्गुण निराकार निर्वाणी, धर्म राय ये पांच बखानी। जीव नाम निज कह विचारी, जान बूझ दानी झकमारी। कह जीव दानी भाई, दर्ग माने धक्कार है। कह जीव दर्ग दानी भाई, हम चल जाई नाम चितलाई। दानी दान चुकाओ आई, जब यह बाट निभन तू पाई। कहकर अंश कहाँ तुम जाई, बात आपनी को समझाई। कह जीव सतलोक निवासा, मैं चल जाऊं पुरुष के पासा। दानी कह दूर है भाई, अगम पंथ कैसे निभ जाई।
कौन नाम मार्ग को जाई और कौन नाम से उभरे आई, इतना भेद कहो समझावा और बाट जीव जब घर की पावा। अब जीव बोलता है, दानी सुन विधि बात हमारी, हम चल जावा पुरुष दरबारी। कहते हैं सुरत नृत ले लोक से धाऊं, आदि नाम ले काल गिराऊं। उन पांच नामों से अलग है ये, आदि नाम ले काल गिराऊं और सत नाम ले जीव उभारी, अस चल जाऊं पुरुष दरबारी। अब ये सतनाम के है और आदि नाम क्या है? सतनाम ये दो अक्षर का है, इसमें एक ओम है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में क्या है, ओम तत् सत इति निर्देशः ब्रह्म ने त्रिविध समर्थः। ओम त ब्रह्म का और तत् परब्रह्म का यानी अक्षर पुरुष का। तो इस सतनाम में ये सतनाम दो अक्षर का है, एक ओम प्लस में दूसरा तत् वो सांकेतिक, और सारनाम ये आदि नाम है। इन तीनों इन से मोक्ष होगा जीव का, ये क्लियर करके आ रही है। पांचों नाम काल के जानो, ये पांचों नाम तो काल के हैं, निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन सोहम और सतनाम, ये कबीर साहब से इकट्ठे कर लिए अपना आत्माओं। अब ये तो है इन राधा स्वामी वालों का ज्ञान, पांच नाम देते। अब हम आते हैं वे ऑफ वर्शिप पे। पहले दिन का ज्ञान देख लिया, संस्कंड क्या, सतलोक है, न कह कह का नहीं पता। फिर इनकी वे ऑफ वर्शिप क्या, साधना क्या है जिससे मोक्ष मान रहे हैं कि हम संस्कंड जाओगे और त्रिकुटी तो शुरू होवांगे। ये बच्चों वाला खेल बना रहे हैं इसको, त्रिकुटी को तो ये ऐसा मान रहे हैं जैसे बरवाले का बस स्टैंड हो और कोई चला जाओ पैदल बैठो जो यहाँ से गाड़ी में बैठो और दो मिनट में पहुंच गए। त्रिकुटी में जाने से पहले तो बहुत व्यवस्था क्लियर करनी पड़ेगी आपने। यहाँ से त्रिकुटी इज द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो व्यक्ति जाता है उसने पहले ही निर्धारित होता कहाँ जाना होता, उसके लिए सारे पासपोर्ट और किराया वो पहले जुगाड़ जोड़ना पड़ा। नोडू सर्टिफिकेट उस देश का स्वदेश आने के लिए। तो हम यहाँ काल के लोक में रह रहे हैं, यहाँ के पांच प्रधान हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में ऐसा लिखा है पंच प्रधान, ये पांचों प्रधाना के ये पांच नाम हैं जो दास आपको देता है। ये पांच नाम नहीं है जो ये राधा स्वामी वाले देते, वो पांच नाम अलग हैं। ये पांच नाम ये कमलों के हैं जो आपको दिए जाते हैं प्रथम मंत्र में। तो अब हमने इनकी वे ऑफ वर्शिप देखनी है कि पूजा करते हैं, वास्तविक वे ऑफ वर्शिप कौन सी है, रियल यानी सच्ची साधना कौन सी है और किन किन महापुरुषों ने करी जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते हैं। आप पर बात खत्म हो जाएगी, आप पर निर्णय हो जाएगा। अब देखिएगा संत मत भाग चार, ये है अजूर सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह। और ये कहाँ से छपी है, ये आपको दिखाई दी थी संत मत प्रकाश भाग चार, महाराज सावन सिंह जी प्रकाशक, ये सेवा सिंह सेक्रेटरी राधा स्वामी, सत्संग व्यास डेरा बाबा जय अमर सिंह जिला अमृतसर। मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस टांडा रोड जोशी स्टेट जालंधर से। अब हम इसके 261 पृष्ठ पर आते हैं। वाह कमाल कर रखा है, ये है 261 पृष्ठ और ये है संत मत प्रकाश भाग चार। यहाँ से पढ़ते हैं, देखिए, अक्सर रूप निखरती चाली छोड़ दिया अब देश बिगाना। अब इस वाणी को डिफाइन करने लगे सावन सिंह जी, यह संसार सर है, जो अक्सर है वह ब्रह्म है। इन्होंने गीता जी का पढ़ दिया कि तो 17वां श्लोक गलती से कभी, यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है और नी अक्सर पार ब्रह्म है। और जब यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है कि 52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इनके माही, ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इन में नाही। गुरु ग्रंथ साहिब के इस पृष्ठ पे
आगे क्या लिखा है कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। फिर कहते हैं जे तू पढ़ा पंडित, बिन दुई अक्षर दुई नावा, प्रणवत नानक एक लंगाए जेकर सत समावा। गुरु ग्रंथ साहिब के प्रश्न नंबर 1171 पर लिखा है सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर को पावे। ये दो अक्षर है ना, ये एक तो ये सतनाम है दो अक्षर का, इसमें एक ओम है एक गुप्त है, वो दास बताएगा। अच्छा, और तीसरा जो है ना यू जे तू पंडा पंडित, बिन दो अक्षर दो नावा, है परंतु नानक एक लंगाए जे कर सत समावा। अगर पंडित को कहते हैं पंडित विद्वान, तो इन दो अक्षर के बिना सारे वेद भी घोट रहा है ना, तो तेरा पढ़ना व्यर्थ है। आगे बताया कि कबीर साहब ने भी इसका कहते हैं यदि तू गुणी हो ज्ञानी हो तो वे अक्षर बताओ, जो वे अक्षर पार ब्रह्म है आप उत्तर भी दे है। ये दो अक्षर ये पार ब्रह्म है, और एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया, नहीं घाटा जोड़ा सतलोक सतलोक सुन रखा था इन्हें। और यही कबीर साहब कहते हैं कह कबीर दो अक्षर भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। अब ये भी गुरु ग्रंथ साहिब में वाणी है कबीर साहिब की, तो इसमें स्पष्ट किया कबीर साहिब ने कि दो अक्षर का नाम जाप कर, भाख माने बोल, उसका जाप कर, और होएगा खसम तलेगा राख, यदि इसके देने वाला अधिकारी होगा तो तेरी पल पल पर रक्षा होगी। अब आगे देखो गुरु नानक साहिब जी फिर कहते हैं एक अक्षर हरि मन वसे नानक होत निहाल, ये आदि नाम है सार नाम जिसको कहते हैं, और दो अक्षर का ये सतनाम है, ये दो अक्षर ये सतनाम है, ये आदि नाम है एक अक्षर, वही उसमें घटनावाण में इसका प्रमाण 261 हमने पढ़ लिया, 62 पढ़ते हैं। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़्या मुक्त न होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। अब ये सही करें कि एक नाम है बस, यानी शास्त्र शूस्त्र पढ़ने से कोई लाभ नहीं, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे है वो आदि नाम के बारे में कहा, वो भी जप करना है। और ये क्या कहते हैं देखियो इनके अनुवाद, वह अक्षर आपके अंदर है, इस वाणी का अनुवाद करें सावण सिंह जी गुरु नानक देव जी की, वह अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजा के मिलेगा, मरे पाछे मिलेगा भूत बने पाछे, वह अक्षर आपके अंदर है और पार पर मजा के मिलेगा, यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यो देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है और हमारी जात सतनाम है। यह फेरा घाटा जोड़ा सतनाम पे है, इबिया जात हो गई इनकी सतनाम की, तो सचखंड सतनाम की, तो सतलोक सतनाम की, तो सथान सतनाम, सार नाम सतपुरुष भी सतनाम है, रसली राम भी सतनाम, अरिब ने कहा हमारी जात सतनाम है, सतनाम और हमारा धर्म सतपुरुष है जो धर्म कहे इसने, ये तो भगवान है अपना। यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने देश को जा रही है। अब देखियो सूरत साफ उड़ी ऊंचे को, छूट गया सब महल पुराना, अब आत्मा पुराने महल को जिसमें लाखों जन्म रही छोड़कर सतनाम में जा रही है। सतनाम में ना समझ मारा ये के बांड है, अब सतनाम में जा रही है। अब आगे देखो आगे चढ़ चढ़ अधर समानी, शब्द शब्द का मर्म पिछाणी, ये इनकी अपनी वाणी है बनाई हुई, अंदर शब्द के दर्जे हैं ये अंदर पाओगे, ओम शब्द और सोहम शब्द और सत शब्द। परमात्मा कहते हैं सोहम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए, कबीर साहब की वाणी से निकाल लिया नहीं हो, पर बिना ज्ञान के सिर पैर बिना समझ माओ इनके। अब कहते हैं अंदर शब्द के दर्जे हैं ओम शब्द सोहम शब्द और सत शब्द।
अब जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं दो अक्षर का भेद, ये तो कह रहे अंदर पाओगे वह बाहर नहीं किसी ने से मिलेंगे। आत्मा दर्जित के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अपने आत्मा मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चिस्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। अब स्पष्ट लिखा है इसमें, लिख भी रहे हैं और जाप के कर रहे हैं ये पांचों नाम काल वाले। और इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी चतुरता कर ली, कुछ ने कह दिया इनको कि ये तो पांचों नाम काल के लिख रखे, इन्होंने फिर तीन नाम शुरू कर दिए, हुआ छोड़ दिए, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुख। अभी इन्होंने सोची बताओ कौन के कहोगा, अब पक्के कर दिए सचखंड के। अरे अकाल मूर्त कहो चाहे उसको शब्द स्वरूपी राम कहो चाहे सतपुरुख कहो, वो तो हमने पाना है, उसको तो हमने ढूंढना है, खोजना है, उसके पास तो पहुंचना है। ये तो पर्यायवाची नाम है, जैसे एक जल पानी नीर, जल पानी नीर, अरे जल को तो खोजना है, वो कैसे मिले, जैसे नीचे जमीन में जल है और उस जल को पाने की विधि है हैंडपम्प ला, बोकी मार, और बोकी मारता रहे फिर मशीन फिट कर। अब जैसे आपको दो अक्षर का नाम दास देता है जिसको सतनाम कहते हैं, उस सतनाम से बोकी लगाई जाती है श्वास और उस श्वास से, और फिर वो बोकी यानी वो पाइप पहुंच जाती है जल तक, फिर उस पर हैंड पंप मशीन लगाई जाती है, मशीन समझ लो वो है सारनाम। और ये दो अक्षर का जो दो मंत्र आपको दिए जाते हैं ये समझ लो पाइप और बोकी मारना, श्वास उस श्वास की बोकी मारनी आपने, और फिर सारनाम जब आपको वो मिल जाएगा हैंड पंप का मशीन ऊपर की, फिर करो सिमरन और परमात्मा यानी जल प्राप्त होगा। अब देखो गुरु नानक देव जी को ये मानते हैं मोक्ष प्राप्त हुआ, उन्होंने कौन सा मंत्र जाप किया था ये देखिएगा। जन्म साखी भाई बाले वाली, सब तो वड्डी भाई बाले वाली जन्म साखी, डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, ये इसके छापने वाले प्रकाशक हैं। ई जन्म साखी अज तक छप चुकिया नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है पुरानी, भाई बाले वाली जन्म साखी, श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते दसां पातशाहां दे जीवन समेत मुकम्मल साखियां हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी, पुस्तकां वाली गली नंबर 8 और ये बाग रामानंद अमृतसर। इतना ये नोट, साड़ी कोई ब्रांच नहीं है, ये तो अपना इनका होता। अब इसके 547 पृष्ठ पर हम आते हैं, ये 547 पन्ना है जन्म साखी का, ये समुद्र दी साखी। अब यहाँ आते हैं, बाला संधु वाच, बाला संधु बोले, बाला संधु बोले जो बाला और मर्दाना दो शिष्य श्री नानक देव जी के, अंगद जी को बता रहे हैं, बालाजी अंगद जी पूछ रहे हैं आप उनके साथ रहा करते थे गुरु जी की कोई महिमा सुनाओ। तो बाला संधु वाच, ताते हैं गुरु अंगद जी, जद गुरु नानक जी अजीते पासों विद्या होए, ता मर्दाने किया सच्चे पातशाह जी असा समुंदर ता देखिया पर लंका नहीं देखी, जिथे रामचंद्र जी चढ़ाई कीती है ता गुरु नानक जी किया चलो भाई बाला ते मर्दाना तुहानू रंज नहीं करना, आँखी मीटो आँख मीचो, जा आँखी मीट के खो लिया ता समुंदर दे कंडे जाई खड़े होए, ते आखन लगे बाला ते मर्दाना मेरे पीछे पीछे चले आओ, और मुखों वाहे गुरु कहिंदे आओ, ते आगे आगे गुरु जी तुर पए जैसे धरती ऊपर तुरदे सन, समुद्र में चल पड़े जैसे धरती में चलते, उसे तरह समुद्र ऊपर तुर पए
जा चले जावण ते पीछे पीछे बाला ते मर्दाना जावण। ता मर्दाने विचार कीती कि गुरु जी गुरु नानक देव जी ओम सोहम जपदे जांदे हन। ता मर्दाना भी ओम सोहम लगा जपण ते लगा गोते खावण। जा गुरु नानक जी देखण ता मर्दाना गोते खांदा है। ता गुरु जी कहा के मर्दाना तू गुरु जी दी करनी वल नहीं देखना, गुरु जी दे वचना पर चलना चाहिए। तू मर्दाना ओहे आख जे असा आख्या है। ता मर्दाना फिर लगा वाहे गुरु वाहे गुरु कहन। ता फिर जल ऊपर उसे तरह तुरन लगा। पुणात्मा ये जो जन्म साखी है यानी गुरु नानक देव जी के विषय में और सब अन्य गुरुओं के विषय में सतज्ञान है इसमें लिखा हुआ। अब ये हिंदी की में अनुवाद है पंजाबी शायद ना कहीं गए समझ में आई हो। ओम सोम के लिख रखे ना समझ में आया हो। ये है भाई बाले वाली गुरु नानक देव जी की जन्म साखी। भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर से छपी है। भाई बाले वाले गुरु नानक देव जी की जन्म साखी पंजे साहिब और दस पातशाह का जीवन संपूर्ण साखी सही दर्ज भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर प्रकाशक है। इसके 559 पृष्ठ पर यह समुद्र दी साखी। एक दिन मर्दा ने कहा कि महाराज मेरा मन चाहता है कि समुद्र में जो लंका है वहां का भ्रमण किया जाए। तो ऐसे ही चलते चलते अब ये सारा ये आ गया कि आगे आगे गुरुजी ओम सोहम का जाप करते चले जा रहे थे। वो पंजाबी ना समझ माई होती हिंदी में ननक रखिया। और फिर मर्दाना ने सोचा हम भी ओम सोहम का जाप क्यों ना करें। जब मर्दाना भी ओम सोहम की रट लगाने लगा तब वह लगा गोते खाने। गुरुजी पीछे पीछे तो हंसकर कहने लगे कि हे मर्दाने से इसका धर्म है कि वह गुरु के बताए मार्ग पर चले, इसलिए तू फिर वाहे गुरु जप तेरा उसी से कल्याण है। पुण्यात्मा ऐसा क्यों कहा गुरु नानक देव जी ने? स्वयं तो जाप जप रहे हैं सतनाम का और शिष्यों को कह रहे हैं ये नहीं जपना, क्योंकि उनको आदेश था उस परम पिता का। धर्मदास तोय लाख दुहाई ये सार नाम किते बार न जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस न तेरी। गुरु नानक देव जी को परमात्मा मिले थे सचखंड से आकर के अपने लीला अनुसार। सभी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जैसे वेद बताते हैं। और उनसे कह दिया था कि ये नाम जपो तुम, ये सतनाम जपो, ये है दो अक्षर का नाम। और वो इरादा स्वामी वाले ने कहा दो अक्षर जो गुरमुख जापे वो ये गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का वेद बतावे। तई नाले तो पूरे को नहीं तो पांच अक्षर के बतावे हैं। अब दो अक्षर का ये है जो आपके समक्ष कहा। और गुरु नानक देव जी ने इसलिए मना कर दिया था मर्दाने को कि कहीं आने वाले समय में कोई इस नाम को जाप ना कर ले और वेद खुल जावे। क्योंकि गुरु नानक देव जी जैसे महापुरुष उनको भगवान चाहिए था समाज नहीं। उन्होंने परमात्मा की आज्ञा का पालन किया। इस मंत्र का किसी को थर्ड पर्सन को भेद नहीं दिया, सेकंड को भी नहीं दिया। और ये प्रमाणित जरूर कर दिया कि मैं यूं नाम जप्या करता इससे मेरा मोक्ष हुआ। आज वो सतनाम पुण्यात्मा आपको मिल गया है और इससे मोक्ष होगा। ये बांडे पांच नाम और फिर नो ना समाधि ला ले बस। पांच नाम तो मंडला के हैं, फिर तुम कित गड्ढोगे जब ये मंडला के काल के हैं तुम कहाँ जाओगे? फिर वो जाने वाला नाम बताओ। परमात्मा कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छिपाए। अब सोम शब्द ने ले लिया कबीर साहब की वाणी ते। अब वो सत शब्द को तो ना इनके पल्ला पड़ा और ना ये वो नाम दो अक्षर का नाम नहीं देते।
तो इससे सिद्ध हो गया कि राधा स्वामी पंथ वालों का ज्ञान गलत, इनकी वे ऑफ वर्शिप, इनकी साधना गलत। तो ये पूरा पंथ काल के जाल में है। दास कोई ईर्ष्यावश नहीं कह रहा, परमार्थवश ये बात कह रहा है। पुणात्मो, ये जन्म साखी एक सरदार के बच्चे ने ला कर दी हमारे को, जब इस ज्ञान से परिचित हो गया। हमने तो गुरु ग्रंथ साहिब को देखा और सदग्रंथों को देखा, तो वो अपने इतिहास से खुद परिचित होते हैं प्राणी। उसने लाकर बताया कि जी आपने आज दृढ़ विश्वास हो गया हमारे कि इसी मंत्र को गुरु साहिब जाप करा करते थे, और गुरु नानक देव जी के अतिरिक्त इस मंत्र का किसी भी नीचे उसके बाद के जितने भी गुरु साहिब हुए हैं उनको भी इस मंत्र का भेद नहीं था। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य को इसलिए कह दिया कि कहीं आगे इसका कोई जाप ना कर ले, और वाणी में लिख रखा था उन्होंने अपनी वाणी में ये मंत्र, तो उस वाणी को छोड़ दिया गया गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय। किस लिए? कि कहीं कोई, क्योंकि गुरुदेव का आदेश है कि ये मंत्र नहीं जपना, तो वो बची हुई वाणी, छोड़ी हुई वाणी एक प्राण संगली नाम की एक पुस्तक अलग से बना रखी है, उसमें स्पेशल लिखा है कि केवल गुरु नानक देव जी की मैले पहले की वाणी है जो गुरु ग्रंथ साहिब की रचना करते समय रह गई थी, ये अलग से लिखी गई है। उसमें क्लियर लिखा है दोनों अक्षर ये। अब यही कहते हैं जिन जिन को भगवान मिले, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया कसी माहे कबीर हुआ। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने कहा कि हमें भगवान ने तारा, किन किन को? हम सुल्तानी, इब्राहिम सुल्तान अधम नाम के एक मुसलमान राजा थे, नानक जी को, दादू जी को, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माए कबीर होया। अब गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में लिखा है, ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ाव राम रंग होरी हो, 3 लोक पास्यंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। ये दो अक्षर का मंत्र ये तुम्हें दिया जाता, कहते इसके एक श्वास की सिमरन एक पलड़े में धर दे, तराजू के एक पलड़े में, और दूसरी तरफ ये 14 लोक चढ़ावे, 14 लोक ये भगवान शिव का लोक, विष्णु का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, दुर्गा का लोक, और ये नीचे के पाताल, फिर ये स्वर्ग लोक, और ये ब्रह्म लोक, धर्मराज का लोक। ये कहते हैं 14 लोक तक रख दे उस एक मंत्र के जाप के बराबर के पलड़े में, और 3 लोक पासिंग धरे। पासिंग कौन सी होती है? जैसे हमारे घरों में ये बिजनेस करने वाले जो बनिए आते थे गेहूं कणक तोलने के लिए, जैसे गेहूं गुड़ शक्कर जो भी मोल लेने आते थे, तो वो क्या करते थे? पहले धनी को तराजू दिखाते थे, देख ले भाई उसमें जो थोड़ी त्रुटि होती थी तो उसको बैलेंस बनाने के लिए, उसकी करेक्शन करने के लिए, जो सामान जैसे गेहूं तोलना है तो गेहूं 2 मुट्ठी उठाकर दूसरी साइड डाल लेते थे ताकि वो उसमें जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाए, उसमें कोई डिफेक्ट ना रहे, पलड़ा बिल्कुल पैरेलल हो जाए। तो वो पासिंग बोला करते उसने पासिंग, और उसी तरफ बट्टा रख लेते थे और बाकी शेष सौदा तोला करते थे अलग से। तो क्या बताते हैं कि ये दो अक्षर का मंत्र ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, और 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, और ये 3 लोक तय पासिंग दर गए, जिनकी तो गिनती है कोई ना, सौदे में कोई नहीं है। और तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो, कहते वो पलड़ा जिसमें एक सतनाम के सुमरण का एक कीमत रख दी जाए तो पलड़ा उठे नहीं, 14 लोक भी दर दे, दूसरे साइड में ऊपर जाएंगे वो, यानी इतना वैल्यूएबल है ये। पुणात्माओं, एक लाला जी था, वो 2 भाई थे, उनमें से छोटे की मृत्यु होगी,
वो छोटे के दो पुत्र थे, कोई 18 वर्ष का कोई 16 वर्ष का। अब जब देखा पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया, उसकी गति गति जैसे ये कराया करें सारा काम हो लिया, तब रोटियों की समस्या आई। तो उन बच्चों की माँ ने, जिसका पति मर गया था, उसने अपने दोनों बच्चों से कहा कि बेटा तुम अभी बच्चे हो, तुम बिजनेस नहीं कर सकते, अपने ताऊ जी के साथ, पिताजी के बड़े भाई को ताऊ जी बोलते हैं, तुम अपने ताऊ जी के साथ मिलकर बेटा पार्टनरशिप कर लो और अपना बिजनेस करो। उनकी माँ ने कहा कि ले बेटा, मेरे पास तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं। एक लाल उसमें लाखों रुपए का होता था। उसकी माँ ने एक पोटली में 10-12 लाल बांध रखे थे, वो दे दिए पुत्रों को और उनसे कहा कि अपने ताऊ जी को कह दो, पैसे तो हमारे पास है नहीं, इन लालों को गिरवी रख दें, गहने रख दें और फिर कमाएंगे हमारे हिस्से में जो आएंगे फिर इनको छुटवा लेंगे। अब दोनों बच्चे माँ के दिए हुए लाल लेकर गए, ताऊ जी से प्रार्थना की, ताऊ जी मेरी माँ ने कहा है हम अभी बच्चे हैं, हम बिजनेस नहीं कर सकते, पैसा हमारे पास है नहीं, ये लाल ले लो, इनको गिरवी रख लो, इनके बदले कुछ धन ले लो, हमारा पार्टनरशिप कर लो। अब उस सेठ ने उनके ताऊ जी ने वो खोल के देखे, उल्टी गिठड़ी बांध दी नो की नो, अक बेटा ये तो बहुत कीमती है, इनको वापस रख के आओ, अपनी माँ को कह दे छुपा के रखे इनको चौकस, और बेटा ऐसी कोई बात नहीं, मैं पार्टनरशिप करता हूँ और मेरा वहाँ पर उधार चलती है, उधार जुआ के लाऊँगा तुम्हारे को और फिर देते रहेंगे, धीरे धीरे जरूरत होगी जब ले लेंगे लालों को, और तेरी माँ को कह अच्छी तरह सुरक्षित रखे इनको। दोनों बच्चे वापस आए, माँ से कह दिया कि माँ ताऊ जी ने ऐसे ऐसे बोला है, तो माँ ने बोली भाई ठीक से ये रख दूंगी छुपा के, कभी ले लियो बेटा जब आवश्यकता हो। अब उसके ताऊ जी ले गया उनको दोनों बच्चों को दूसरे शहर में, वहाँ उस बच्चों की पहचान करानी चाहिए कि ये समझ लें लाल और लालड़ी के भेद को। एक सेठ से 50,000 रुपये का सामान लिया उधार पर, जहाँ वो रुके हुए थे धर्मशाला में आकर उनके ताऊ जी ने कहा बेटो, अपने भतीजों से कहा कि लो ये लाल उस सेठ को दे कर आओ जिससे 50,000 रुपये का सौदा हमने उधार लिया है, और उसको कहना कि ये लाल है ये रख लो और हम आपके 50,000 रुपये दे जाएंगे, लाल ले जाएंगे। दोनों भाई गए सेठ जी से कहा, सेठ जी हमारे ताऊ जी ने ऐसे ऐसे कहा है, ये लाल आप रख लो और हम आएंगे आपके 50,000 रुपये दे देंगे, अपना लाल ले जाएंगे। अब उस सेठ ने क्या किया, एक जोरी बुलाया जो परख करता है और उसे दिखाया कि भी देखना ये लाल कैसा है। जोरी ने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है, लाल तो लाख रुपए का होता, ये तो 200 रुपए की बिना बिके, ये तो नकली है लालड़ी। अब उस सेठ ने वो उठा के वो लालड़ी बाहर फेंक दी गली में, अकेले जाओ थरे लाल ने धोखेबाज हो कपटी हो, अरे तुम्हारा ताऊ ऐसा तो नहीं था, आज तक तो उसने ऐसा जुल्म नहीं किया हमारे साथ, आज ये धोखा करते हो, मैंने कौन सा मांगा था तुम्हारे से, यानी 100 सुनाई। और वो बालक शर्मिंदे हो गए, उठा के उस लालड़ी को आगे और ढीला सा मुंह छोड़ रखा। उनका ताऊ जी बोला बेटा क्या बात होगी, वो कहने लगे ताऊ जी लाला जी घड़ा निकम्मा आदमी है, वो तो बहुत गलत बोलता है, हमारे लाल को लालड़ी बता रहा है, और एक आदमी बुलाया उसने, उसने बता नहीं कैसे चेक किया, बोला तो लालड़ी है और गली में फेंक दी, और कहने लगा तुम्हारा ताऊ जी ऐसा तो नहीं था, धोखे भी करने लग गया हमारे साथ। वो ताऊ जी ने तो खेल खेले रखा था,
फिर देखा, अरे बेटा ओहो, अरे ये लाल तो देख ही रखा था भाई, मेरे से धोखे से दिया गया बेटा, ये तो सचमुच लालड़ी है, ले ये दे के आओ लाल उसको और कहो देखो हमारे ताऊ जी का धोखा लग गया, उसका दोनों विश्वास डट कर कहो। दोनों भाई फिर गए, अकेले लाला जी मेरे ताऊ का धोखा लग गया था, ले ये हलाल। उसने सेठ ने फिर बुलाया जोरी वो पारखू, उसने आते ही देखते करके वो टेस्ट ने बोला हाँ ये हलाल है, ये हलाल है। अब वो सेठ कहता उन बच्चों को अग देख तुम्हारे आँख दी हो तो ये हलाल, और वो लालड़ी थी। अब उन दोनों बच्चों को ऐसा झटका लगा, उन्होंने घनी गौर से पहचान कर ली लाल और लालड़ी की। अब वापस आ गए घर पे, उनके ताऊ जी ने कहा बेटा जाओ अपनी माँ से वो लाल ले आओ और उनको गिरवी रख देंगे कितने, अरे चलेंगे दोबारा तो घनी उधार होगी अपने, उनको दे देंगे कितने। अक अच्छा ताऊ जी अभी गए, वो भागे गए दोनों, माँ माँ अक हाँ बेटा आ गए तुम, अक आ गए आ जाओ रोटी खाओ, अक नहीं पहले वो लाल दे, वो लाल दे, और ताऊ जी के ऊपर बहुत कर्जा हो गया है, उधार होगी है, गिरवी रख के उनको अपना काम चलाएंगे। अकले बेटा वह माँ लाइट का डगवा के छड़ी, अरे बेटा नो के नो रखे हैं, बच्चा ने सोची इब देखते ला लाल है लालड़ी, वह खोल के देखिए वो सारी लालड़ी थी, बच्चों ने वहीं पटक दी। अक माँ आप तो बहुत भोली हो, इनमें तो लाल एक भी नहीं है, ये तो सारी लालड़ी है, लाल तो लाख रुपए का होता है, ये 200 रुपए की भी नहीं। उनकी माता जी कहने लगी बेटा मुझे तो पता नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल होंगे ये। अब वो बच्चे लेकर नहीं गए वो लालड़ी अपने ताऊ जी के पास, जाके कहने लगे ताऊ जी मेरी माँ है ना बड़ी भोली है, उनमें लाल तो एक भी को नहीं, सारी लालड़ी है। जब वो ताऊ जी कहता बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी तुम मेरे पास लेकर आए थे, यदि मैं कह देता ये लालड़ी है लाल नहीं, ये 200 रुपए की भी नहीं है, तो त्री मानों का वो मेरा पति मर गया तो हमारे लाला ने भी लालड़ी बताओ है ताऊ। और बेटा आज तुमको मैंने इतना समझदार कर दिया कि लाल और लालड़ी की तुम खुद पहचान करने लगे, अपनी लालड़ी आप पहचान ली। तो पुणात्मा दास चाहता है कि आपको इतना इंटेलिजेंट बना दूं आध्यात्मिक मार्ग में, तुम अपने अपने लाल और लालड़ियों को खुद पहचान लो, जैसे इस सिख बच्चे ने पहचान कर ये जन्म साखी गुरु नानक देव जी की आते दिखाई कि सचमुच आप जो कहते हो ये सत्य है और यही नाम मोक्ष का है, बाकी सब झूठ है। तो पुणात्माओं परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये अमृतवाणी और ये ज्ञान ये सदग्रंथों में जो आज विद्यमान है उस समय हमें बताया था, लेकिन उस समय इनको प्रतिज्ञा दिवा दी थी धर्मदास, तो ये लाख दोहाई ये सार नाम और ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, इसमें सब वे ऑफ वर्शिप भी, पूजा की विधि भी, और साथ में अध्यात्म ज्ञान कैसे सृष्टि रचना हुई कैसे क्या हुआ। कहते इसको अभी छुपा के रखना, मूल ज्ञान बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंस नहीं तेरी, तो गुरु नानक देव जी ने बैन लगा दिया था इसके ऊपर कि खबरदार इसको जाप किया, तो अब बैन खोल दिया परमात्मा ने, उनकी दया से ये बिचली पीढ़ी आ गई और सबका कल्याण होगा जो शरण में आ जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर साहब जी। सर क्या नाम है आपका? श्रावण श्याम। सर कहाँ से आए आप? भीड़पेट नागपुर महाराष्ट्र से। सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी मैं पहले देवी देवता की भक्ति साधना करता था, जो ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी इनकी सेवा भक्ति करता था। सर जब आप पहले से ही पूजा साधना कर ही रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों आए? वो पूजा से कोई लाभ नहीं होता था भगत जी। क्या लाभ चाहते थे आप? लाभ तो कम से कम जो हमारे यहाँ सब बीमार रहते थे, जितनी भक्ति ज़्यादा करते थे उतने ही एक बीमार दूसरा बीमार तीसरा बीमार मैं भी बीमार पिताजी बीमार। क्या बीमारी थी आपको? ये बुखार आना
और कुछ बाहर भीतर का जो जादू टोना वाला, वो भी प्रकार बहुत चलता था हमारे इधर। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? एक संत रामपाल जी के शिष्य ने मुझे एक ज्ञान गंगा किताब दी, तो मैं वो किताब पढ़ी, उसमें पूरा सारा देखा, एक बार नहीं दो बार पढ़ा, फिर वो सृष्टि रचना मुझे समझ में आ गई। उसके बाद मैं कुछ मेरे प्रश्न भी थे कि भाई गजानन महाराज जी है तो वो तो कभी ये बताते नहीं कि ये छोड़ो वो छोड़ो, साईं बाबा है उन्होंने कभी बताया नहीं। तो मैंने फिर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखना चालू किया, उसमें साईं बाबा का एक चैप्टर गुरु जी बता रहे थे, संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बता रहे थे कि एक साईं नाम का संत हुआ, वो फिर साईं बाबा कहलाया, तो उन्होंने तो पानी पे दिए लगाए। तो मैं गौर से सुन रहा था, तो मैंने बोला पानी पे तो दिए लगाए थे, तो और गौर से सुन रहा था, तो गुरु जी अपने रामपाल जी महाराज ने, संत रामपाल जी महाराज ने बताया साईं बाबा ने जो दिए लगाए एक साल लगाए, उसके बाद तो बहुत साल जिंदे रहे, फिर दूसरे साल नहीं लगाए, तीसरे साल नहीं लगाए, अगर वो परमात्मा होते तो उनके दिए रात आज तक के चालू होते, हर साल लगाते। फिर उन्हें समझा के भी बताया संत रामपाल जी महाराज ने कि ये जो है, ये जो चमत्कार है, ये चमत्कार सिद्धि के भरोसे पे साईं बाबा ने बताया। तो हम ये जादू टोना में ज़्यादा घूमते थे, हमारे घर में ही होता था, तो इसकी वजह से मेरे को भी थोड़ा सा नॉलेज आ गया। तो उनका, अरे मैंने बोला ये तो जादू जंतर वाला ही खेल है, सिद्धि प्राप्त करना बोले तो जादू जंतर वाला ही खेल है ना। तब मेरा कंप्यूटर जला और उसी वक्त मैंने दूसरे दिन तैयारी किया हरियाणा जाने की। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप साईं बाबा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और जब आपको ये बाद में पता लगा कि ये जो रिद्धि सिद्धि है ये हजारों संत मेहनत करते हैं, तो सर आपको क्या लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है क्या वो वास्तव में ऐसा ज्ञान है जो किसी और संत के पास नहीं है? जी नहीं, अच्छा ज्ञान है, और संत रामपाल जी महाराज जी के पास में जो ज्ञान है वो कोई ऋषि मुनि के पास में नहीं है, यह तो पक्का है। लेकिन सर, हिंदुस्तान में लाखों संत महंत हैं, ऐसे ऐसे भी धर्मगुरु हैं जिनके शिष्य लाखों करोड़ों में हैं, सर क्या कहना चाहेंगे? है ना, मगर वो भक्ति जो है वो सही नहीं है। आप ये बात कैसे कह सकते हैं? क्योंकि मैंने ठाकुर सिंह महाराज की भी भक्ति ली थी, और अपने जो कृष्ण वाले थे उनकी भी भक्ति कर चुका हूँ मैं, शंकर जी की भक्ति जो वो है वो भी कर चुका हूँ, और निर्मला देवी की भी भक्ति कर चुका हूँ। वो निर्मला देवी के साथ में तो मैं लड़ा भी उसके साथ में कि वो कुंडलिनी जागृत करती है, भाई तेरी कुंडलिनी जागृत है क्या? इसके लिए मेरा थोड़ा सा वाद विवाद भी हुआ था। मैंने बोला अगर तेरे इसमें कुंडलिनी जागृत है तो मेरे जेब में कितने पैसे आप बता दीजिए तब मैं मान जाऊँगा, मगर किसी ने मुझे नहीं बताया, उसको भी छोड़ दिया। सर, पहले आप इतने सारे संतों महंतों के पास गए हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने के बाद आपको संतुष्टि मिली कि इनसे बड़ा कोई संत नहीं है, इनको पूर्ण ज्ञान है? जी नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी के वहाँ हरियाणा में जाने के बाद जब वहाँ का माहौल देखा आश्रम का, वहाँ मैं 3 दिन रहा, सत्संग सुना, और उसके बाद में मैंने दूसरे दिन यानी पहले दिन सत्संग सुना, माहौल देखा वहाँ का, और पूरा सत्संग सुना। तो फिर मैंने सत्संग सुनने के बाद में तुरंत नाम दीक्षा ली, उसके बाद में फिर लाइन में लगा, बहुत बड़ी लाइन थी संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन के लिए। फिर दर्शन किए हमने, दर्शन जैसे किए गुरु जी ने आए, देखते देखते ऐसे सबके सर पे हाथ आशीर्वाद देते देते तो मेरे भी सर पे हाथ दे दिया, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा जो शरीर था ऐसा फूल के जैसा हो गया हल्का, यानी जितने कितने क्या थे तो पता नहीं, तो ऐसा लग रहा था मेरे को कि अरे बाप रे मेरा शरीर इतना हल्का कैसे क्या हो गया। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा जिस भी धर्मगुरु संत महंत के पास आप गए, क्या वहाँ पे आपको ये चीज़ महसूस नहीं हुई? जी नहीं, ये चीज़ महसूस नहीं उस, और ऐसा मुझे ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि वो संतों के पास जाने के बाद में मुझे यार मेरी दारू चुटी हो या मेरे कोई विकार दूर हुए हो, ऐसा कुछ भी नहीं लगा। पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में जाने के बाद उस दिन से आज तक के कभी मेरे को इच्छा भी नहीं हुई, ना खाया ना पिया। लेकिन सर, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो नशा करने वाला व्यक्ति है, जो नशा करता है, उनके लिए नशा छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है,
वो नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र भी जाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट भी लेते हैं, फिर भी वो अपना नशा नहीं छोड़ पाते हैं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाते ही आपका नशा कैसे छूट गया? ये तो पता नहीं, वो परमात्मा है, उन्होंने आशीर्वाद ही ऐसा दे दिया कि मेरे पूरे नशे क्या सभी मांस मटन दारू गुटखा फटका सब छूट गया। सर, क्या आपका नशा छुड़वाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने आपसे कोई पैसे भी लिए? जी नहीं, एक रुपया नहीं, एक टिकली नहीं। सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि वो देव देवताओं के बारे में टिक्का टिप्पणी करते हैं या फिर देव देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में ये सही है? नहीं, टिक्का टिप्पणी नहीं करते वो, देवी देवता की जो उल्टी भक्ति कर रहे, जो लोग उल्टी भक्ति कर रहे, हम भी करते थे, परमात्मा हमारे, हम तो परमात्मा ही बोलते हैं उनको, संत रामपाल जी महाराज जी को, संत रामपाल जी महाराज यही बोलते हैं क्या बेटा, ये उल्टी भक्ति जो कर रहे हैं वो सीधी करो, मगर क्या है, जनता मानती नहीं है। सर, क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिला? मेरे को बहुत सारे फायदे हो गए, बहुत, मेरे को, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि फोर व्हीलर से जाऊँगा, फोर व्हीलर दे दिया, एक मंगाया था दो दो दे दिया, फिर लॉकडाउन के अंदर में कोई मटेरियल नहीं मिलता था, इतना लॉकडाउन नागपुर में कड़क था, फिर भी मेरे यहाँ घर में माल छोड़ के चले जाते थे, और वो लॉकडाउन में मेरा पूरा मकान हो गया, मेरी कंडीशन सुधर गई है, मैं बैंक में नौकरी करता हूँ, चपरासी में हूँ, मेरे हर महीने में 3-4 हज़ार लोगों से उधार लेना पड़ता था, वो भी बंद हो गया, आज एक रुपया नहीं लेता मैं किसी से, बैंक बैलेंस हो गया मेरा जमा, और लाभ तो बहुत है भगत जी। सर, आपके हाथ में जो मेडिकल रिपोर्ट है, सर ये किस चीज़ की है? जी हाँ, मैं कुराड़ी ब्रांच में था, और सुबह मुझे बैंक खोलना पड़ता था, तो मैं बैंक से जब आया, यानी घर से जब निकला, तो थोड़ा देर हो गया था, मैं फास्ट निकल गया, निकलने के बाद में एक ऐसा आड़ा आदमी आ गया, तो उससे बचाने के चक्कर में मैं खुद ही गिर गया, और गिरा तो मेरा पैर की जो राइट साइड की जो हड्डी है, 3 हड्डी टूट गई, ये तो पता ही नहीं था, पर जब गिरा तब गहरी गाड़ी कम से कम 20 फीट, 15 से ज़्यादा 20 फीट ऐसी गाड़ी सहित मैं सरपटते गया, तो मैं ऐसा नीचे देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ये रोड कैसे चल रहा है, इतनी स्पीड से गाड़ी जा रही, जब मैंने देखा ऐसा ऊपर, तो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा पूरा गाड़ी के सहित पकड़ के रखा था, तभी मैंने गाड़ी के हाथ छोड़ के बोल दिया, जय हो बंदी छोड़ के, ऐसे में गुरुजी ने हमको साइड में फूल के जैसा रख दिया। आपका मतलब है कि संत रामपाल जी महाराज जी आपको साक्षात दिखाई दिए? जी हाँ, दिखाई दिए, पूरा चेहरा दिखा। वो तो हरियाणा में रहते हैं ना, और आप महाराष्ट्र में हैं? जी महाराष्ट्र में है, तो हमारे साथ में ही रहते गुरुजी, गुरुजी का पूरा चेहरा दिखा, और गुरुजी ने ही पकड़ के रखा था जी, संत रामपाल जी महाराज जी। जी हाँ, विशेष और जो लाभ मिला है, ऐसी तमन्ना थी, गुरुजी को मैंने बोला, सत्संग में सुना था कि मानसरोवर है, मानसरोवर में ऐसा होता है, तो मैंने एक बार ऐसे ही बैठे बैठे विचार किया, मैंने बोला यार सही में होता होगा क्या, तो मैं वो एक दिन बोला ऐसे परमात्मा, संत रामपाल जी महाराज जी को हम परमात्मा ही बोलते, मैं बोला परमात्मा मुझे ही राम अपना मानसरोवर देखना है, मेरी बहुत इच्छा हो रही है देखने की, तो बाद में ऐसे बोल के थोड़ा विचार करते रहा कि कैसा होगा क्या होगा, तो फिर रात को मैं सो गया, परमात्मा है चलो बेटा बोले मानसरोवर, तो पहले उन्होंने मुझे ये ब्रह्मांड वगैरह वहाँ से लेके गए, तो ब्रह्मांड के अपने सूरज वगैरह तारे वगैरह ये बड़े बड़े दिखते थे, उजाला उजाला, उसमें से इतने स्पीड से जा रहे थे हम लोग, ऐसा देखते देखते जा रहा था, मैंने पहली बार देखा, फिर हम गए काल के लोग में, तो काल की आँखें ये बड़ी बड़ी थी, ये बड़ा गोल ऐसा आँख ही एक, ये अपनी छतरी के जैसा, और ऐसे डरावने आँखें थी, और उसका चेहरा भी काला काला ऐसा बैठा था दरवाजे ऐसा बिल्कुल, तो देखते बराबर मैं तो घबरा गया, परमात्मा बोले बेटा डरना नहीं चलो आगे, संत रामपाल जी महाराज बोले डरना नहीं, फिर आगे निकले, आगे निकलने के बाद में वो काल ने ऐसी मुंडी कर दिया, तो यहाँ पे लात दे के परमात्मा आगे बढ़े, उनके पीछे मैं भी निकल गया, उसके बाद में दरवाज़ा खुल जाता है वो उनके पीछे का, आगे जाने के बाद मानसरोवर लेके गए, तो बेटा बोले आप मानसरोवर देखो मैं आता हूँ, तो संत रामपाल जी महाराज जी वहाँ से निकल गए, कहाँ गए तो मुझे पता नहीं, फिर मैं खड़ा रहा, वो मानसरोवर को नहारा इधर उधर से, मैंने बोला यहाँ का मानसरोवर इतना समुद्र से भी ज़्यादा बड़ा दिख रहा है,
और मैंने बोला बॉम्बे में देखा तो वो समुद्र की ऐसी लाटें आती है और यहाँ तो पानी शांत है बिल्कुल। मैं था आँखों से देख रहा था तो वो अंदर के पूरे फतरे वगैरह दिख रहे थे, पूरा क्लीन दिख रहा था पानी। तो वह ऐसा जाके झाँका ऐसा झाँकने के बाद में मैंने बोला मालिक तेरी रजा बहुत है, ये ऐसा पानी तो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। तो उतने देर में एक आत्मा आई, आत्मा सीधी घुसी वो मानसरोवर में और ऐसा जैसा फटाका बड़ा फटाका फूटता है ना ऐसा भर से आवाज़ आया, जैसा भर से आवाज़ आया तो उधर सरोवर दिखता था सतलोक का कंपाउंड ऐसा दिखता था कंपाउंड जैसा और सतलोक ऐसा बाजू में था। मानसरोवर से सतलोक भी दिखता है? हाँ जी दिखता है, मानसरोवर से सतलोक दिखता है। फिर वहाँ से वो ढोल नगाले बजने चालू हो गए एकदम, इधर फटाका फूटा तो उधर बजने चालू हो गए, सब जने आए उधर से, मैं देख ही रहा था साइड में होके। जब आए तो वो आत्मा निकली वहाँ से, नूरी शरीर पूरा गोरा गुमटा एकदम कोमल शरीर। फिर वो भी आए उधर से और ये भी निकल गए बाहर से। फिर उनको आते बराबर गले वले लगाए, खूब 10-12 लोग थे और उनको बीच में ले जाके फिर बजाते बजाते लेके गए। हाँ फिर गुरुजी आए, चलो बेटा बोले, हाथ पकड़ा था एकदम नीचे, बस इतना देखा मैंने। सर मानसरोवर में आपने जो ये अद्भुत रहस्य देखा और आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से आपने वो सब देखा, तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे आज संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति आपकी क्या आस्था है? नहीं मेरे लिए परमात्मा है, मेरे लिए वो संत नहीं परमात्मा है जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी की जो वेशभूषा है, उनका जो रहन सहन है, वो काफ़ी सिंपल साधारण है और हम जब समाज में देखते हैं तो संत जटाधारी होते हैं, भगवा वस्त्र पहनते हैं, मालाएं गले में डाल के रखते हैं, तो जो श्रद्धालु लोग हैं उन लोगों के लिए संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान पाना काफ़ी मुश्किल है। सर क्या कहना चाहेंगे? सर जी संतों की पहचान उनके ज्ञान से होती है, बड़ी बड़ी माला लगाने से, डालने से, हाथ भर चंदन लगाने से, क्या वो अभी बहुत सारे संत तो ढोल पिटते और नाचते हैं, उससे ऐसी पहचान नहीं होती, उनके ज्ञान से ही पहचान होती है। सर जी ये अभी जो संत है महाराष्ट्र में बोलो और कहीं देखते हैं अपन, जैसे टीवी पे आते हैं, उनको तो नाम दीक्षा देने का भी अधिकार नहीं है, केवल संत रामपाल जी महाराज जी को ही ये नाम दीक्षा देने का अधिकार है। क्यों? कि संत रामपाल जी महाराज 3 बार नाम दीक्षा देते हैं और भागवत गीता में बताया है उसका कोट, ओम तत् और सत। ये माध्यम से रामपाल जी, संत रामपाल जी महाराज सभी अनुयायियों को 3 बार दीक्षा देते हैं और दीक्षा देने के अधिकारी वही होते हैं जो सत ग्रंथ के आधारित जो ज्ञान बताते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेकर मानव पार हो सकता है। ये मैंने मानसरोवर में देख चुका हूँ, वहाँ की आत्मा देख चुका हूँ, वहाँ के लोग देख चुका हूँ और उन्हीं के भक्ति से मानव का कल्याण होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। सर अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? सर जी संत रामपाल जी महाराज जी की नाम दीक्षा लेना बहुत आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है। सभी टीवी चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं, वहाँ पे जो पीले कलर की पट्टी चलती है वो पट्टी पे नंबर आते हैं, वो नंबर पे आप कांटेक्ट करो तो आपके नज़दीकी नामदान सेंटर का कांटेक्ट आपको मिल जाएगा। अभी तो संत रामपाल जी महाराज जी के नामदान सेंटर हर ज़िले में खुले हुए हैं और नामदान सेंटर की ये जो नामदान लेना है तो अभी ये ऑनलाइन भी नामदान मिल जाता है, उनसे नाम दीक्षा ले कर अपना और अपने परिवार का कल्याण कराइए जी। धन्यवाद जी, सत्साई। आप
आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।